इंग्लैंड के बल्लेबाज जो रूट इन दिनों बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं। पिछले 3 साल में वो 17 सेंचुरीज ठोक चुके हैं। वहीं उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 50 की औसत को भी मेंटेन कर रखा है। 12,377 रन बना चुके हैं और सचिन के टेस्ट रिकॉर्ड को तोड़ने के बेहद करीब है। इतने करीब की महज 3,545 रन वो बस दूर रह गए हैं सचिन तेंदुलकर के सबसे ज्यादा रन के रिकॉर्ड से। 33 साल के रूट अगर ये काम कर देते हैं तो वो टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज तो बन जाएंगे। इस बीच माइकल वॉन ने बीसीसीआई पर एक बड़ा आरोप लगा दिया इसी मुद्दे को लेकर। उनका मानना है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड कभी भी ये बात नहीं चाहेगा कि इंग्लैंड का कोई खिलाड़ी टॉप पर आए। इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ी माइकल वॉन ने सचिन के टेस्ट रिकॉर्ड पर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर रूट सचिन के टेस्ट रिकॉर्ड को तोड़ देते हैं तो ये क्रिकेट इतिहास में घटने वाली सबसे अच्छी चीज होगी। इसके पीछे उन्होंने ये वजह बताई कि बीसीसीआई सिर्फ भारतीय खिलाड़ियों को ही टॉप पर देखना चाहती है। अब सवाल यह है कि भाई इसमें दिक्कत की क्या बात है। एक देश जो इतना सारा पैसा लगाता है, उस देश में क्रिकेट को इतना मान सम्मान मिलता है, पूजा की जाती है इस खेल की, वो जाहिर सी बात है चाहेगा कि हमारे देश का जो खिलाड़ी है वो हर मामले में टॉप पर रहे, फिर चाहे गेंदबाजी हो, रन हो, बल्लेबाजी हो, फील्डिंग हो। और हर देश, हर क्रिकेट बोर्ड यही चाहता है कि उसके खिलाड़ी ज्यादा बेहतर करें। तो ये लॉजिक माइकल वॉन का कहां से आता है, इस पर बिल्कुल शक है, इस पर सवाल उठने चाहिए। विराट कोहली और जो रूट की गिनती देखिए आज की डेट में दुनिया के टॉप 4 बल्लेबाजों में होती है, जिसको फैब 4 नाम से भी जाना जाता है। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच अक्सर तुलना भी होती रहती है। रूट और कोहली में फिलहाल कौन बेस्ट है, इसे लेकर क्रिकेट एक्सपर्ट्स में भी लगातार बहस होती रही है। क्लब प्रेरी फायर के पॉडकास्ट पर भी यही बहस ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज क्रिकेटर एडम गिलक्रिस्ट और माइकल वॉन के बीच छिड़ गई। वॉन ने इस दौरान कहा कि कोहली T20 और वनडे में तो बेहतर खिलाड़ी हैं, लेकिन टेस्ट में रूट उनसे आगे है। यहां पर एडम गिलक्रिस्ट ने वॉन से असहमति जताई और गिलक्रिस्ट ने जो कहा शायद उनकी बात से आप भी ताल्लुक रखते नजर आएंगे। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय में रूट इंग्लैंड के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज बनकर उभरे हैं, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अभी तक शतक नहीं लगा पाए। इस पर वॉन ने तुरंत पलटवार करते हुए कहा कि रूट जल्द ही वहां पर भी शतक लगाएंगे और बाकी हर जगह उनका रिकॉर्ड विराट से बेहतर है। हालांकि गिलक्रिस्ट ने इस पर उनसे एक बार फिर से असहमति जताई। उन्होंने कहा कि पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विराट की पारी जो थी वो कमाल की थी, उसकी तारीफ की उन्होंने और कहा कि ओवरऑल विराट कोहली जो है वो जो रूट से बहुत बेहतर खिलाड़ी है। सचिन के टेस्ट रिकॉर्ड के सबसे नजदीक जो रूट हैं, उन्होंने अब तक 145 टेस्ट मैचों में 50 की औसत से 12,377 रन बनाए हैं और वो सचिन के रिकॉर्ड को तोड़ने से महज 3,545 रन ही दूर है। दूसरी ओर विराट कोहली 113 मैचों में 49 की औसत से 8,848 रन बना चुके हैं और सचिन से करीब 7,000 रन दूर है। रूट के नाम 34 टेस्ट शतक हैं जबकि विराट के नाम 29 टेस्ट शतक हैं। पिछले 3 साल में रूट ने 17 जबकि कोहली ने केवल 2 शतक जमाए हैं टेस्ट क्रिकेट में। हालांकि इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि रूट ने कोहली से ज्यादा मुकाबले भी खेले हैं। इसके अलावा इंग्लैंड के इस दिग्गज बल्लेबाज ने ज्यादातर शतक इंग्लैंड में ही लगाए हैं। दूसरी ओर विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका जैसी विदेशी जमीन पर जाके शतक लगाए हैं। इनफैक्ट आपको एक और रिकॉर्ड बताना जरूरी है, विराट कोहली के 12 फॉरेन सेंचुरीज हैं, यानी कि विदेश में जाके शतक जो लगाता है खिलाड़ी उसकी वैल्यू ज्यादा मानी जाती है। घर में हर खिलाड़ी बेहतर होता है, हर खिलाड़ी शेर होता है, बड़ी पुरानी कहावत है। विराट कोहली के 12 सेंचुरीज हैं विदेश में जाकर, वहीं जो रूट की 34 टेस्ट सेंचुरीज में से केवल 6 सेंचुरी हैं जो विदेशी जमीन पे आई हैं। ऐसे में जो रूट कितने भी शतक लगा ले, नो डाउट कमाल की फॉर्म में चल रहे हैं, बहुत शानदार खिलाड़ी हैं, लेकिन विराट से जब कंपैरिजन होगा तो ये उनको चीजें झेलनी पड़ेंगी। उनको बार बार विदेश में जाके रन बना के शतक लगा के खुद को साबित करना पड़ेगा और यहीं पे विराट कोहली उनसे बहुत आगे निकल जाते हैं। रही बात है खिलाड़ी के तौर पर बेहतर प्रदर्शन की, तो पूरी दुनिया जानती है कि तीनों फॉर्मेट में ज्यादा बेहतर खिलाड़ी कौन है। विराट कोहली ने हर फॉर्मेट में खुद को साबित किया है, वहीं जो रूट T20 साइड में तो बहुत दूर दूर तक नहीं है, वनडे साइड में भी अभी उनकी जगह पक्की नहीं मानी जाती है। ऐसे में जो रूट की बल्लेबाजी पर या सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड पर या विराट कोहली से उनके कंपैरिजन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। बाकी स्पोर्ट्स की दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स। नमस्कार।